एबीपीएस न्यूज सच का साथी। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके कारण प्रदेश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं जिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें होती हैं और घटनाएं होती हैं, वह महिलाएं सालों साल तक न्याय की आस में दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। करनैलगंज गैंगरेप की शिकार महिला न्याय न मिलने से विधानसभा पर पूरे परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास करने के लिए पहुंच गई। पीड़िता का आरोप है कि गांव के दबंगों द्वारा उसका सामूहिक बलात्कार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि लगभग 2 महीने से वो लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं और न्याय की गुहार लगातार लगाई जा रही है, लेकिन दबंगों के साथ मिलकर करनैलगंज के इंस्पेक्टर अजीत सिंह लगातार धमकियां दे रहे हैं और पत्रकारों और नेताओं को भी गालियां देते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पीड़िता के पास मौजूद है। पीड़िता के पति ने बताया कि वह न्याय की आस लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लगाकर थक चुका है, इसलिए शनिवार को पूरे परिवार के साथ विधानसभा पर आत्मदाह करने के लिए आया था। पीड़िता के पति ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस महिलाओं को न्याय दिलाने की बजाय उन्हें धमकियां देती है। ये कैसी व्यवस्था है कि अपराधी मूंछ पर ताव देते हुए खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित को न्याय की आस में आत्मदाह करने तक की बात कहनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा के सामने आत्मदाह करने वालों को न्याय मिलेगा या फिर केवल आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया जाएगा। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।